अच्छा स्वामी जी, मेरा एक सवाल है आपसे। अभी हुसैन भाई भी सोच रहे हैं कि ये भी अभी बूढ़े नहीं होंगे, और ज्योत्सना ने और मीराक्षी जी ने तो पूरा स्टैम्प पेपर मुझे भर करके दे दिया है कि हम बूढ़े नहीं होंगे, शपथ लेते हैं, योग करेंगे। कुछ कह रहे थे ज्योत्सना जी? जी स्वामी जी, हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं, उनकी तरह आचरण की बात करते हैं, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको अपने जीवन में उतारने की बात करते हैं, लेकिन राम बनना बहुत आसान नहीं है। कोई एक दिन में या एक महीने में राम नहीं बन सकता है। इसके लिए अनुशासन, कंसिस्टेंसी, ये भी होना बहुत जरूरी है। आप और सबसे बड़ी चीज़ त्याग। जी, प्यार। स्वामी जी देखो, राम के जीवन के ऐसे तो सैकड़ों पक्ष हैं, उनका वैयक्तिक जीवन, उनका पारिवारिक जीवन, किस तरह से उन्होंने अपने आप को गुरुकुल में तैयार किया, अपना शरीर बल बढ़ाया, मनोबल, बुद्धि बल, आत्मबल बढ़ाया, मैंने कहा शस्त्रों के शास्त्र की शिक्षा ली उन्होंने, वेद विद्या के साथ धनुर्विद्या और तमाम तरह के जो हमारे यहाँ पर प्राचीन काल में गुरुजन सिखाते थे, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र से उन्होंने सीखा। फिर उन्होंने, जब आदमी अपने आप को तैयार कर लेता है तो अपने योग धर्म से वो अपने सभी धर्म, उन्होंने अपने पितृ धर्म को, मातृ धर्म को निभाया, उन्होंने अपने राजा धर्म को निभाया, अपने मानव धर्म को निभाया। एक बात बड़ा सत्य कहता हूँ, जो योग धर्म को प्रामाणिकता से जीता है, कपाल भांति करते रहे, सब बच्चों के लिए भी जरूरी है और बड़ों के लिए भी, और सब देशवासियों को मैं कहता हूँ, ये तो कभी मत छोड़िए। अभी आगे वही बात कहने वाला हूँ, जो योग धर्म को ठीक से निभाता है वो अपने सभी धर्मों को, चाहे वो पितृ धर्म है, धर्म माने कर्म, अपना कर्तव्य, जो योग धर्म को, योग को ठीक से निभाता है वो अपने सभी स्वधर्मों को, योग धर्म को ठीक से निभाने वाला अपने सभी स्वकर्म को, स्वधर्म को, स्वकर्म ही स्वधर्म है, स्वकर्म को, स्वधर्म को, पितृ धर्म को, मातृ धर्म को, पति धर्म को, राजा धर्म को, मानव धर्म को ठीक से निभा पाएगा, उसके भीतर सारे मानवीय गुण होंगे, उसके अंदर वीरता भी होगी, शौर्य भी होगा, पराक्रम भी होगा, धैर्य भी होगा, अभय भी होगा, उसके अंदर निर्भयता भी होगी, उसके अंदर सबके लिए प्रेम, करुणा, वात्सल्य भी होगा, और उसकी दृष्टि विराट होगी, उसके जीवन में तप त्याग होगा, सेक्रीफाइस होगा, उसके जीवन में शुचिता होगी, उसके जीवन में तपस्या होगी, उसके जीवन में अहिंसा होगी, उसके जीवन में सत्य होगा, दृढ़ता होगी उसके जीवन में। अच्छा स्वामी जी, तो जो एक तत्व हमारे जीवन में ठीक आ जाता है तो बाकी सारे अच्छे तत्व आ जाते हैं। एक तत्व खराब आ गया, आदमी दुराचारी हो गया, व्यभिचारी हो गया, आदमी हिंसक हो गया, क्रूर हो गया, एक आदमी ने किसी का मर्डर कर दिया तो सारे आपराधिक प्रवृत्तियां उसके भीतर अपने आप आ जाएंगी। एक आदमी ने दारू पीनी शुरू कर दी, फिर दारू पिएगी, दिमाग खराब होगा, दिमाग खराब होगा तो अपने दूसरों को मारकाट करेगा और तमाम काम करेगा। तो एक योग तत्व ऐसा है, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जिससे सारे जीवन के अच्छे तत्व, अब उसमें से अब एक बड़ा तत्व है मर्यादा। अब एक मर्यादा को ले लेते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की जय, ऐसा बोला जाता है, जय माने उनकी विजय हो, और उसी उन्हीं के रास्ते पर महाजनो ये न गता सपन था, ये हमारे शास्त्रों का, महाभारत का बहुत बड़ा सत्य है कि हम किधर चले, स्वस्ति पंथम अनुचरे में, जिधर हमारे महापुरुष चले। गीता में भी कहा, यद्य दातर्ति श्रेष्ठ तत्तदयोजन सहित प्रमाणम कुरते लोक सदन वर्तते। कपाल भाती करते हुए मैं बात कह रहा हूं, कपाल भाती तो सब करें, एक तत्व को अपना ले और वो तत्व है योग तत्व। इसलिए हम इंडिया टीवी के माध्यम से आज 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, करोड़ों लोगों ने योग सीख लिया है। अब भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, भ्रामर उद्गीत, ये तो सब आयु वर्ग के कर रहे हैं। बिल्कुल। फिर अलग अलग आसन, मोटापा के लिए, मधुमेह के लिए, कमर दर्द के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, अलग अलग प्रकार के आसन, व्यायाम सब बता रहे हैं। स्वामी, एक योग तत्व को अपने जीवन में अपना ले, आपके जीवन में सारे श्रेष्ठ तत्व आ जाएंगे। आप कुछ पूछ रहे थे, पूछ लो हुसैन। स्वामी जी, योग तत्व जो है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये तो राम जी के वक्त से लेकर आज तक है, लेकिन एक चीज ऐसी है जो आज है और राम जी के समय में नहीं थी, और वो है मोबाइल। और प्रशांत ये पूछ रहे हैं कि स्वामी जी से पूछिए कि वो अपने बच्चों की ये फोन की, मोबाइल की लत कैसे छुड़ाए। पहली बात तो ये है कि बच्चों को ऐसी लत डालते ही क्यों, एक बार भी गलत आदत पड़ गई, चाहे वो बीड़ी सिगरेट शराब पीने की है, चाहे मोबाइल के ऊपर गेम खेलने की है। मैं आज तक मैंने एक भी गेम नहीं खेला है,
एक भी कोई अश्लील वीडियो नहीं देखता, क्यों नहीं देखता? अरे भाई, जो देखने की चीज है उसको क्यों, नहीं देखने की चीज है उसको क्यों देखना? जो देखो, देखने में, सुनने में, खाने पीने में, करने में, बोलने में, एक बार गलत चीज देखी, एक बार गलत चीज सुनी, एक बार गलत चीज बोली, झूठ बोला, एक बार गलत चीज खाई पी, बीड़ी, सिगरेट, शराब, कुछ भी, तो बार बार उसको करने की इच्छा होती है। ये शरीर का स्वभाव है। जैसे सूर्य का स्वभाव रोशनी देना, प्रकाश देना है, जैसे दुर्गंध देने वाले बहुत से पदार्थ हैं उनका स्वभाव दुर्गंध देना है, जैसे फूलों का स्वभाव खुशबू देना है, जैसे पेड़ पौधों का स्वभाव ऑक्सीजन देना है, ऐसे ही इन बुरी चीजों की, इन बुरी बातों की सबसे बुरी बात, बुरी आदतों की सबसे बुरी बात यह है कि एक बार करने के बाद बार बार करने की इच्छा होती है। तो इसलिए मैं कहता हूं, आजकल एक बहुत गलत बात सिखाई जाती है बच्चों को, एक बार करके देख लो, बाद में छोड़ देना। अरे बाद में छूटे तो, एक बार किसी गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से कर तो लिया प्यार मोहब्बत, अब वो छूटता तो नहीं फिर वो जिंदगी, फिर तो जान दे के ही छूटेगा। एक बार कोई गलत चीज खा पी, गुटखा खा लेते, बीड़ी पी लेते, सिगरेट पी लेते, ड्रग एडिक्ट हो जाते, फिर छूटता नहीं हो।